मुझे जाना होगा और यदि पुनः लौटा तो आपकी पुत्री से अवश्य विवाह करूंगा। आपकी पुत्री से अवश्य विवाह करूंगा। आपकी पुत्री से अवश्य विवाह करूंगा। महादेव, महादेव रुक जाइए। द्वार पर आकर वर का लौट जाना अब शगुन होता है। मेरी विनती है आपसे, आप विवाह करके जाइए। असुरराज ने आपके बारातियों का अपहरण कर लिया है। ये युद्ध ना जाने कितने समय तक चलेगा। समझने का प्रयास कीजिए महादेव, विवाह करके जाइए। ये मेरी विनती है। नहीं माताश्री, अपना कर्तव्य ना निभाना सबसे बड़ा अपशकुन है और सबसे बड़ा अशुभ भी। जगत कल्याण में बाधा मत बनी, जगत कल्याण में बाधा मत बनी, जगत कल्याण में बाधा मत बनी। युद्ध चाहे जितने समय तक चले, हम सब महादेव की प्रतीक्षा करेंगे, हम सब महादेव की प्रतीक्षा करेंगे, हम सब महादेव की प्रतीक्षा करेंगे। चाहिए महादेव, अपना कर्तव्य निभाइए। जो अपना उद्देश्य पूर्ण ना करे वो महादेव कैसा, और जो महादेव नहीं वो पार्वती का वर कैसा। तारका सुनने, महादेव की बारात में आए हुए सभी अतिथियों को बंदी बना लिया है और महादेव अपना विवाह छोड़कर उन्हें मुक्त करने गए हैं। इसीलिए तो महादेव महादेव है कि वो अपना कर्तव्य सर्वोपरि रखते हैं। परंतु महादेव अब विवाह कैसे करेंगे? नारायण, यदि महादेव और तारकासुर के मध्य युद्ध हुआ तो अवश्य ही लंबा चलेगा। तब तक क्या मेरी पुत्री क्या ऐसी भांति वधु बनकर प्रतीक्षा करती रहेगी? यही सोच के तो मेरा मन भी व्यथित हो रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, विवाह तो मुहूर्त निकला जा रहा है। नारायण, आप भी कुछ कीजिए ना। यदि ऐसी बात है तो हम इस समय को यही बांट लेते हैं, तो हम इस समय को यही बांट लेते हैं, तो हम इस समय को यही बांट लेते हैं। संसार में जब भी समय की गणना होगी तो वो क्षण जब महादेव और तारकासुर के बीच द्वंद हुआ है वो गिना नहीं जाएगा। प्र
ब्रह्मदेव, लाइए अपने कमंडल का जल पीछे। इस क्षण से समस्त ब्रह्मांड में महादेव, तारकासुर और जिनका भी अपहरण हुआ है केवल वही चर अवस्था में होंगे, बाकी सब कुछ निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। नारायण, चाहे जितनी माया रच लो परंतु आज तुम तारकासुर को नहीं रोक सकते। हम संकट में महादेव रक्षा कीजिए। महादेव, महादेव। हमें बचा लो महादेव। हमारी सहायता करिए महादेव। महादेव, आपके भक्त संकट में हैं। जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रुद्रेश्वर शंभो प्रलयकार पितराल नमः। हमें बचा लो महादेव, बचा लो महादेव, हमें महादेव बचाइए हमें। तुम्हारी ये प्रार्थना तुम्हारे महादेव के कानों तक नहीं पहुंचेगी। लगता है तुम्हारी पुकार में फल नहीं है। चलो तुम्हारी पीड़ा को तनिक बढ़ा देते हैं। कदाचित फिर तुम्हारे महादेव तुम्हारी पुकार को सुन ले। ये क्या कर रहे हो? नहीं, चिल्लाओ और चिल्लाओ। रुक जाओ तारकासुर, रुक जाओ तारकासुर, रुक जाओ तारकासुर। महादेव आ गए हमें बचाने के लिए।
अब हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तारकासुर, स्वतंत्र कर दो इन्हें। ऐसे कैसे स्वतंत्र कर दूं महादेव, आज पगड़ा मेरा भारी है। इसे समांतर करने के लिए थोड़ा भार रखना पड़ेगा। कुछ शर्तों का भार, शर्तों का भार, शर्तों का भार, जो इनकी मुक्ति निश्चित करेगी। सभी की मृत्यु के पश्चात, उसके दहन के पश्चात, आपने युगों युगों तक आदिशक्ति के रूप पार्वती से विवाह की प्रतीक्षा की, और आज आप विवाह के मंडप तक पहुंचे ही थे कि मैंने तो सारा पासा ही पलट दिया। मैंने आपको यहां आने के लिए विवश कर दिया महादेव। विवश तो तुम मुझे कर रहे हो तारकासुर, विवश तो तुम मुझे कर रहे हो तारकासुर। जीवित रहने का वरदान प्राप्त है ना तुम्हें, अहंकार मत करो। अमृत स्वर भानु ने भी पिया था, परंतु आज सिर कहीं और है और धड़ कहीं और। दंड तुम्हें भी मिल सकता है, और मृत्यु से दयनीय जीवन जीने का क्या लाभ। शांत महादेव शांत, इतना क्रोध करने से उचित अनुचित के बीच में अंतर नहीं बता सकते। निर्णय करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, विनाश का कारण बन जाता है ये क्रोध। मेरी बात मानिए और शांत मन से विचार कीजिए। मेरा सर तो आप कभी भी काट सकते हैं, परंतु यदि मेरा सर धर से अलग हुआ तो इन सबको आप इस मायावी पाश से कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। क्योंकि केवल मेरे पास, असुर राज तारकासुर के पास इस पाश का तोड़ है। असुर राज तारकासुर के पास इस पाश का तोड़ है। इस समस्या का केवल एक ही हल है, युद्ध, युद्ध, युद्ध। कीजिए मुझसे महादेव, और उसमें आप मुझे पराजित नहीं कर सकते, और उसमें आप मुझे पराजित नहीं कर सकते। क्योंकि भले ही मैं विजयी ना हो पाऊं, परंतु युगों युगों तक आपके साथ युद्ध कर सकता हूं, आपके साथ युद्ध कर सकता हूं।
मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आया तारकासुर। अपने अतिथियों को स्वतंत्र कराने आया हूं। महादेव, यदि आप सहजता से मान जाते तो आपके अतिथियों की पीड़ा तनिक कम हो जाती। परंतु अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिसे आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा। विवश हो जाएंगे आप। महादेव बचाओ, महादेव बहुत पीड़ा हो रही है, महादेव बचाओ, महादेव। बचाओ महादेव, बचाओ। सुनिए महादेव, अपने भक्तों की पुकार सुनिए। युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे। आप मुझसे युद्ध करने में जितना विलंब करेंगे उतनी ही देर में सब मेरी विषैली वायु का पान करेंगे। और धीरे धीरे मरते जाएंगे, और धीरे धीरे मरते जाएंगे। चुनाव अति सरल है महादेव, उठाइए अस्त्र और युद्ध कीजिए तारकासुर से, और युद्ध कीजिए तारकासुर से, और युद्ध कीजिए तारकासुर से। शीघ्र निर्णय लीजिए महादेव, आपके बारातियों के पास अधिक समय नहीं है।
हम जीवन में सदा कष्ट, दुख और पीड़ा जैसे अनुभवों से दूर भागते हैं, सदैव सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, और इसी मनोकामना में हम जीवन का सार भूल ही जाते हैं कि जो भाव हमारे मन को कचोटते हैं वही हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख सिखाते हैं। कष्ट हमें सबल बनाता है, भय हमें निडर बनाता है, क्रोध हमें समझदार और संयमी बनाता है। इसलिए जीवन के हर रस में, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, उनसे भागे नहीं, उनका अभिनंदन कीजिए।